कभी आपको किसी लड़की ने ये कहा है कि आपको नखरे बहुत ज्यादा हैं? फिशल करने वाली, फिशल कर रहा था मैं, वो वीडियो फेमस हो गया, घुस गया क्या बस, लेकिन आप भाई उन्हें किसी ने नहीं करना अस्सलाम वालेकुम, चाहिए। प्रेम पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका दोस्त सकलैन रजा। तो नादरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर टिकटॉकर सनी किंग। तो आज हम करेंगे उनसे बहुत सारी बातें टिकटॉक के बारे में और उनके लाइफस्टाइल में। सबसे पहले नादरीन, आप हमारे चैनल प्रेम पॉइंट को सब्सक्राइब करने और हमारे साथ रहने, हमारी मुकम्मल वीडियो देखनी है। तो आज हम काफ़ी गपशप करेंगे, तो हमारे साथ सनी भाई मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, नादरीन वालेकुम अस्सलाम को आप अपना असल नाम बताएं, आपका असल नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन। तो आपने ये अपना जो अकाउंट है ये सनी किंग से नाम क्यों बना हुआ है? भैया मेरा जो भी अकाउंट है ना, सनी किंग के नाम से फेमस हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये अकाउंट भी अपना सनी किंग के नाम से बनाया। काफ़ी अकाउंट्स हैं मेरे फेक अकाउंट, उन्होंने भी यही नाम रखा हुआ है, यही नाम चूज़ किया। तो आपको किसने ये मशवरा दिया सनी किंग रखने का नाम? सजाद भी ने मशवरा दिया था भाई ये नाम रखो सनी किंग 07, तो जो भी अकाउंट्स हैं सारे इसी तरह फेमस हैं, सनी किंग 07। ये सजाद भाई कौन है? सजाद भाई मेरे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं। ये कैसे शौक पैदा हुआ टिकटॉक पे आने का? बस यार लड़कों को देखता था, वो मेहनत करते थे, मैंने कहा मैं भी वीडियोस बनाऊं, मैं फिशल कर रहा था तो फिशल करती जा पे उस्ताद ने वीडियो बना ली तो वो फेमस हो गई। तो आप टिकटॉक पे आने से पहले आप क्या काम करते थे? सलून का इधर उमर सलून से वो भी आए हैं टिकटॉक पे, माशाल्लाह अच्छे कंटेंट बनाते हैं। तो उन्होंने तो V8 ले लिया है, आप कहीं ये ख्वाब देख रहे हैं V8 लेने का? इंशाल्लाह जरूर लेंगे ना भी भाई, कर लेकिन रहे हैं सारा काम मेहनत से होता है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर लेंगे, सब चीजें ले लेंगे। तो सनी भी आप ये बताएं, जब आपकी टिकटॉक की वीडियो वायरल हुई है तो आपको घर वालों ने सपोर्ट किया है या कोई मना किया है? नहीं घर वाले मना करते थे, कजन वगैरह सारे मना करते थे, भाई किस काम पे लग गए हो, आपकी वीडियो वायरल हुई हुई है, ये काम सीखने जाते हो, वीडियो बनाने जाते हो। फिर भी मैं मेहनत करता रहा, घर वाले मना करते थे, मैं घर वालों से छुप के वीडियो बनाता था, फिर इंशाल्लाह अब सब सपोर्ट करते हैं। आप उनकी बात क्यों नहीं माने? वैसे ही मेरा शौक था, मैंने अपना शौक पूरा किया। तो सनी भी आप ये बताएं, आप टिकटॉक पे बहुत फेमस हैं, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो आपका जो है ना फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मैं खुद ही हूँ, आप खुद ही हैं, आप किसी को फॉलो नहीं करते? नहीं अच्छा सनी भाई, आप ये बताएं, आप कितनी माशाल्लाह पर्सनैलिटी है, आप मशहूर भी हैं, आपको कहीं शो वगैरह में कोई ऑफर हुई है काम करने की या किसी ड्रामे वगैरह में? बहुत सारे भैया, बहुत ज़्यादा ऑफर्स हुई हैं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता हमारे पास, हम खुद वीडियो शूट करते हैं, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, इसलिए नहीं जा पाते। अच्छा आप सनी भाई ये बताएं कि एक वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? 10 मिनट भी लग जाते हैं, पहली वीडियो भी बन जाती है, लेकिन टाइम काफ़ी लगता है, अक्सर हमारा 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। नहीं आप टिकटॉक पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं अर्निंग भी हो रही है कि नहीं? टिकटॉक से और ये लाइव बैठते हैं उधर हो जाते हैं माशाल्लाह। जब लाइव बैठते हैं फिर वहाँ अर्निंग होती है। बिल्कुल अर्निंग सही हो जाती है। भाई आप ये बताएं, आपकी सबसे पहले कौन सी वीडियो वायरल हुई थी टिकटॉक पे? फिशल करने वाली, फिशल कर रहा था मैं, वो वीडियो फेमस हो गई मेरे ना, तो काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया नाइस वीडियो, अच्छी वीडियो भाई और बनाओ, फिर मैं और ज़्यादा फिशल वाली वीडियोस बनाने लग गया, वो सब फेमस हो गई। नहीं आप वो बचपन में सलून पे चले गए हैं, आप जो स्टडी वगैरह आपने नहीं की? नहीं स्टडी करता था, जब से वीडियो का शौक हुआ वीडियो बनाने लग गया, स्टडी छोड़ दी मैंने। अच्छा कितनी जो है ना आपने तालीम हासिल की? सेवन 7 क्लास में। अच्छा सनी भाई आप स्टडी छोड़कर टिकटॉक पे आ गए, जो आपके क्लास फेलो आए तो आपको देखकर उनको भी शौक पैदा होगा कि हम भी टिकटॉक पे आए, हम भी वायरल आए, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? टिकटॉक बनाओ लेकिन स्टडी नहीं छोड़नी यार, मैंने तो जो घुस गया किया बस, लेकिन आप भाई उन्हें किसी ने नहीं करना, स्टडी नहीं छोड़नी, स्टडी सबसे पहले करनी है, टिकटॉक बाद में भी होती रहेंगी। तो जो सनी भाई के क्लास वाले हैं वो देख रहे हैं, सनी भाई कह रहा है कि आपने सबसे पहले स्टडी करनी है, उसके बाद जो काम करना है उसके बाद करना है, सबसे पहले स्टडी लाजमी है। अच्छा सनी भाई आपको कितनी पर्सनैलिटी है, आप जब कहीं से गुजरते होंगे अपने मोहल्ले वगैरह में तो कभी आपको किसी लड़की ने ये कहा है कि आपको नखरे बहुत ज़्यादा हैं? नहीं, ये सवाल किसी ने नहीं किया। नहीं आप वो इतना फेमस हैं, आपको कहीं से कोई नहीं अगर आप ऑफर हुई हो, कोई मैसेज वगैरह? वो तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं इतना वो लड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ता। नहीं आज आजकल टिकटॉक का दौर है तो लोगों ने साथ लड़कियां वगैरह जो है ना उनके साथ काम कर रही हैं, आपने कोई नहीं रखी घर लोग? नहीं, मैंने कोई लड़की नहीं रखी, मुझे शौक भी नहीं है। आप जो है ना मुस्तकबिल में फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? अभी तो देखो भैया फेसबुक पे भी काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ, टिकटॉक पे भी कर रहा हूँ, अभी मतलब कि इधर से अच्छी अर्निंग हो रही है, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ भी गई तो इंशाल्लाह करेंगे कोई काम जो भी होगा। तो सनी भाई आप जो ना अपने व्यूवर और हमारे व्यूवर को क्या पैगाम देंगे? यार भाई को सपोर्ट करो जिस तरह हमें सपोर्ट करते हो, गाइस इनको भी वैसे सपोर्ट करो, यूट्यूब चैनल को इनके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है,
इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे भाई और आपके लिए। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे।